हेलो दोस्तों, मैं हूं शशिकांत राय और आप देख रहे हैं टेट फैक्ट एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है और इसका इस्तेमाल प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल वर्ब के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी के जो है फॉर्म्स यानी रूप क्या हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है। जो वर्ब किसी प्रिंसिपल वर्ब तो कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयोग हो, ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी या सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी तीन प्रकार की हैं। ये है नीड यानी कि आवश्यकता, डेयर हिम्मत, यूज टू यानी कि कोई पास्ट हैबिट या आदत को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीड का प्रयोग, और नीड का प्रयोग हम देखेंगे एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है। इसकी फॉर्म्स होती हैं नीड, नीड्स, नीडेड और नीडिंग। इसका मीनिंग है जरूरत होना। तो आइए इसके कुछ उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नीड, और वो भी एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रिंसिपल वर्ब के रूप में नीड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और उसके बाद हम उसके उदाहरण समझेंगे। नीड का इस्तेमाल एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में सबसे पहले हम समझेंगे। नीड क्या है? नीड एक मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। नीड का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। इसके साथ ही जब थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम लोग क्या करते हैं, एस लगाते हैं, यानी ही, सी, इट होगा तो क्या करेंगे, वर्ब के साथ में जो है एस का इस्तेमाल किया जाता है। नीड का अर्थ होता है रिक्वायर यानी कि जरूरत होना। इसके साथ ही नीड का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके सभी साधारण रूप होते हैं, जैसे नीड, नीड्स, नीडेड, नीडिंग। नीड के बाद इन्फिनिटिव का जो चिन्ह होता है टू, उसका प्रयोग जो है किया जाता है, लेकिन कब करते हैं, जब हम इसका इस्तेमाल प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कर रहे होते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग जो है डू, डज और डिड का प्रयोग जो है इसमें करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चिल्ड्रेन नीड मिल्क, बच्चों को दूध की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रेन जो है बहुवचन है और नीड भी यहाँ पे बहुवचन है, यानी कि यहाँ पर हम जो है पर्सन के नंबर के अनुसार नीड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है ही नीड्स सम रेस्ट, उसे कुछ आराम की आवश्यकता है। यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर है, तो नीड में हमने क्या लगाया है, एस लगाया है इसको सिंगुलर बनाने के लिए। इसके साथ ही अगला एग्जाम्पल है आई नीड द बुक टूडे, ही नीडेड सम मनी यस्टरडे, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और इसके साथ ही यू नीड द बाइसिकल टुमारो, फ्यूचर टेंस में नीड का प्रयोग हम लोग जो है करते हैं। अगला देखते हैं आई नीड टू सी हिम, यहाँ पर हमने जो है टू का प्रयोग किया है, यानी कि नीड के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग जो है एज ए प्रिंसिपल वर्ब के समय में हम लोग करते हैं। इसके साथ ही जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं या निगेटिव बनाते हैं तो डू, डज, डिड का इस्तेमाल टेंस के अनुसार करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू नीड मनी, क्या आपको पैसे की जरूरत थी, या डू यू नीड मनी, क्या आपको पैसे की जरूरत है, डज ही नीड एनी हेल्प, क्या उसे सहायता की जरूरत है, या ही डज नॉट नीड मनी, उसे पैसे की जरूरत नहीं है। आइए अब हम आगे समझेंगे नीड का मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम समझेंगे नीड का प्रयोग जो है एज ए मॉडल वर्ब में जो है किस प्रकार से होता है। नीड का प्रयोग जब हम मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका कोई रूप नहीं होता, यानी कोई फॉर्म्स नहीं होती है, सभी पर्सन के साथ में एक ही प्रकार से इस्तेमाल की जाती है, यानी कि नीड का प्रयोग हम लोग जो है नॉर्मली सभी पर्सन के साथ में करते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नीड एज ए मॉडल वर्ब, यानी कि एज ए मॉडल वर्ब के रूप में हम लोग नीड का उदाहरण देखेंगे और नीड का कॉन्सेप्ट समझेंगे एक मॉडल वर्ब के रूप में। सबसे पहले हम समझेंगे नीड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो आइए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी में नीड का रूप क्या होता है, नीड, नीड नॉट के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि सिर्फ नीड या नीड नॉट। इसका प्रयोग मस्ट की तरह ही होता है, यानी कि सभी पर्संस और नंबर्स के साथ में नीड का इस्तेमाल जो है मस्ट की तरह से किया जाता है। इस नीड का अर्थ होता है हैव टू।
नीड या नीड नॉट या नीडेंट का जो है प्रयोग हम लोग सभी पर्सन के साथ जब करते हैं तो इसका जो फॉर्म होता है वो भी एक सर रहता है। हाँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में नीड का प्रयोग करते समय, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग करते समय, इसमें जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस का प्रयोग नहीं होता है। नीड जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी होता है तो इन्फिनिटिव का चिन्ह जो टू होता है वो भी लुप्त रहता है। और इसके साथ ही नीड जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी होता है तब इसका प्रयोग साधारणतया क्वेश्चंस और निगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते समय हम लोग यहाँ पे डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ ही अफर्मेटिव सेंटेंस में भी नीड का प्रयोग हो सकता है अगर उन वाक्यों में हैंड, हार्डली, स्केयरली, ओनली इत्यादि नकारात्मक यानी निगेटिव शब्दों का प्रयोग हुआ। इसके साथ ही नीड का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है। नीड का मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में प्रयोग नहीं होता है। नीड का मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी में पास्ट फॉर्म होता है नीड हैव या नीड नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मस्ट से बाध्यता और मस्ट नॉट से अनुचित का बोध होता है, उसी प्रकार से नीड नॉट से बाध्यता का अभाव और कभी कभी कार्य के अनावश्यक होने का बोध होता है। जब हम कोई एग्जांपल्स लेते हैं जैसे नीड नॉट प्लस हैव प्लस पार्टिसिपल, यानी कि जब हम नीड नॉट या हैव और उसके साथ ही एक पास्ट पार्टिसिपल जोड़ के कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इससे क्या बोध होता है कि भूतकाल में जो कार्य हुआ वह अनावश्यक या अनुचित था, अर्थात इस कार्य को करने से समय की बर्बादी हुई है। आइए अब देखते हैं नीड के मॉडल और जल्दी वर्ब के रूप में कुछ उदाहरण। Need I see you? I need not wait. Need he come again? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि need का जो प्रयोग हो रहा है वो इंट्रोगेटिव negative बनाने में जो है किया जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ पे do, does, did का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है he need not to come every day. यहाँ पर जो do infinitive का जो चिन्ह होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि जब need का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो टू क्या होता है वो लुप्त होता है या गायब होता है। इसके साथ ही अगला एग्जांपल है ही नीड कम अगेन। यहाँ पर ही जो है फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है जबकि और इसके साथ ही क्या है वो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हमने नीड के साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब रूप में जब हम नीड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस का इस्तेमाल नहीं होता है। आई हार्डली नीड से हाउ मच ग्रेटफुल आई एम टू यू। यहाँ पर आई हार्डली नीड से लिखा हुआ है, यानी कि हार्डली जो है कैसा शब्द है, हार्डली जो है एक जो है नकारात्मक शब्द है, यानी कि हार्डली के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं नीड का इस्तेमाल जब करते हैं तो ये भी क्या करता है नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। वी नीड हैव कम या वी नीड नॉट हैव कम, यानी कि नीड के साथ जब हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि नीड से पास्ट टेंस का बोध हो रहा है। यू नीड नॉट हैव बॉट दिस एक्सपेंसिव कार, तुम्हें इतनी महंगी कार खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर पता चलता है कि कोई काम जो भूतकाल में हुआ है वह अनावश्यक या अनुचित था। यहाँ पर जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, नीड नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आइए आगे देखते हैं कि हमारी अगली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। आइए अब हम देखेंगे डेयर। डेयर भी एक क्या है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका इस्तेमाल भी हम लोग एक प्रिंसिपल वर्ब के रूप में या मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं। इसके जो फॉर्म्स होते हैं यानी जो रूप होते हैं वो हैं डेयर, डेयर्स, डेयर्ड और डेयरिंग। इसका जो मीनिंग होता है चुनौती देना, दुस्साहस करना। तो आइए देखते हैं डेयर का एग्जांपल्स और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखेंगे डेयर का जो एग्जांपल एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में और इसके साथ ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। डेयर का इस्तेमाल एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, आइए देखते हैं सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग इसका एग्जांपल समझेंगे। डेयर एक मार्जिनल या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। डेयर का अर्थ होता है टू चैलेंज यानी चुनौती देना या टू डिफे या टू वेंचर यानी दुस्साहस करना। डेयर का प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रेजेंट और पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगाया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार
डेयर या डेयर्स का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में करते हैं। डेयर के बाद इन्फिनिटिव के लिए चिन्ह टू का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जब डेयर से हम लोग क्वेश्चंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू, डज या डिड का इस्तेमाल करके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। डेयर से का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। आई डेयर से का अर्थ होता है परहैप्स यानी शायद, इट इज प्रोबेबल हो सकता है, या इट इज लाइकली या सामान्यता होता है, या आई थिंक या आई एक्सपेक्ट यानी मैं सोचता हूँ या मैं स्वीकार करता हूँ। डेयर और से अलग अलग भी लिखा जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। यहाँ पर एक बात मैं कंफर्म कर दूँ कि ज़्यादातर जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनका इस्तेमाल हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं, तो वह एक सामान्य वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और जब मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो वह एक असाधारण रूप से काम करती है, और उसमें सामान्यतः सेंटेंस के लिए जो ग्रामेटिकल रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं वो उसमें फॉलो नहीं होते हैं। यही अंतर होता है प्रिंसिपल वर्ब में और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए डेयर के प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कुछ उदाहरण देखते हैं। आई डेयर टू कॉल हिम, आई डेयर टू चैलेंज हिम, ही डेयर्स टू स्लैप हर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर और पर्सन के अनुसार डेयर का इस्तेमाल जो है सब्जेक्ट के बाद किया गया है। इसके साथ ही ही डज नॉट डेयर टू फेस मी, डज ही डेयर टू फेस मी, डिड ही डेयर टू फेस मी, यानी कि जब आप प्रिंसिपल वर्ब के रूप में डेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आप निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या किससे बनाते हैं, डू, डज और डिड से। आई डेयर से यू आर राइट, यहाँ पर डेयर से या डेयर से भी लिख सकते हैं अलग अलग, दोनों का अर्थ होता है परहैप्स या इट इज प्रोबेबल, इट इज लाइकली, आई थिंक या आई एक्सपेक्ट, यानी कि आई के साथ जब डेयर का इस्तेमाल होगा तो डेयर से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो इस्तेमाल होगा या जो मीनिंग निकल के आएगा वो परहैप्स, प्रोबेबल, लाइकली, थिंक या एक्सपेक्ट के रूप में आएगा। तो आइए देखते हैं अगला, डेयर का इस्तेमाल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है। आइए अब देखते हैं डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब। एज ए मॉडल वर्ब में जब डेयर का प्रयोग करते हैं तो इसका कोई फॉर्म्स या कोई रूप नहीं होता है। आइए अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स और उन एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि डेयर का जब मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। आइए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ डेयर एज ए मॉडल वर्ब विथ इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। डेयर का एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम समझेंगे डेयर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट। डेयर जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है तब इसका प्रयोग नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग डू, डज, डिड का इस्तेमाल नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नहीं करते हैं। डेयर जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी होता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस नहीं लगाया जाता है, और इसके साथ ही डेयर जब मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो इन्फिनिटिव का जो चिन्ह होता है टू वह सदा के लिए क्या होता है, लुप्त होता है। हाउ से शुरू होने वाले क्वेश्चंस में डेयर का प्रयोग हम लोग जो है सदमा यानी शौक या क्रोध व्यक्त करने के लिए करते हैं, यानी कि जब आप डेयर का इस्तेमाल करेंगे और इसके पहले हाउ यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा, डेयर से क्या पता चलेगा, शौक या क्रोध पता चलेगा। नो बॉडी, एनी बॉडी इत्यादि के बाद इन्फिनिटिव का चिन्ह टू का प्रयोग हो सकता है, या आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, दोनों ही सही होगा। इस डेयर का अर्थ होता है दुस्साहस करना, टू बी करेजियस एनफ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि डेयर का इस्तेमाल जो है दुस्साहस करना या चुनौती स्वीकार करने के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ही डेयर गो एंड स्पीक टू हर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे हमको जो है पर्सन और नंबर के हिसाब से एस लगाने का जो है ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है एस थर्ड पर्सन के साथ में नहीं इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ ही टू जो इन्फिनिटी का चिन्ह रहता है वो भी लुप्त रहता है। डेयर ही गो एंड स्पीक टू हर, यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव बनाते समय भी या निगेटिव बनाते समय हम लोग एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब डेयर का इस्तेमाल करते हैं तो डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। ही डेयर नॉट गो एंड स्पीक टू हर, यहाँ पर भी जो है निगेटिव बनाते समय डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, डेयर के बाद सीधे नॉट का प्रयोग करते हैं जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का इस्तेमाल करते हैं। नो बडी डेयर टू स्पीक,
यहाँ पर जो है टू क्या होता है, ऑप्शनल हो जाता है, यानी कि नोबडी एनीबडी से जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो जो इन्फिनिटिव का जो चिन्ह होता है वो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और ना लगाना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। तो आइए अब आगे हम लोग देखेंगे यूज टू के बारे में। आइए अब हम देखते हैं यूज टू का इस्तेमाल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किस प्रकार करते हैं, जो कि एक मार्जिनल वर्ब है। यूज टू का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में होता है। इसके साथ ही इसका जो इस्तेमाल होता है वो एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही किया जाता है, और इसका जो दूसरा प्रयोग एज ए प्रिंसिपल वर्ब होता है वो हम लोग जो है नहीं करते हैं, यानी कि सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज टू का इस्तेमाल होता है। आइए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। Examples of used to as a modal auxiliary verb and its concept. Used to as a modal auxiliary verb. सबसे पहले हम देखेंगे यूज का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है। यूज टू का जो उच्चारण होता है वो आप यूज्ड भी कर सकते हैं, यानी कि जे यू एस टी यूज्ड भी कर सकते हैं, या नॉर्मली यूज्ड भी बोल सकते हैं। यूज टू का जो प्रयोग होता है वो यूज के रूप में नहीं होता, यानी कि यूज का मीनिंग होता है प्रयोग या प्रयोग करना, या यूज टू का एक मीनिंग होता है अभ्यस्त होना, यानी कि इन दोनों मीनिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। यूज टू का प्रयोग सभी पर्सन के साथ होता है, इसका सदा पास्ट टेंस में ही प्रयोग होता है। यूज टू का निगेटिव फॉर्म यूज नॉट टू होता है, यानी यूज नॉट टू जो है क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि जब आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो आपको इस्तेमाल करना होगा यूज फिर नॉट तब टू। किंतु आजकल यूज टू के नेगेटिव फॉर्म में डिड का प्रयोग अधिक किया जाता है, यानी कि यूज नॉट टू भी आप लिख सकते हैं या डिड नॉट यूज टू। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूज टू जो है हमेशा क्या करता है, पास्ट टेंस का बोध कराता है। यूज का क्वेश्चन फॉर्म के जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, जैसे यूज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब। आजकल यूज टू में क्वेश्चन फॉर्म में डिड का प्रयोग जो है किया जाता है, यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब। तो इन दोनों ही तरीकों से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म के सेंटेंस जो है यूज टू का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। यूज टू प्लस वर्ब से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ करता था। इसका प्रयोग केवल भूतकाल की ऐसी आदत या व्यवहार का बोध कराने के लिए होता है जो अब नहीं है, यानी यूज टू का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो ऐसी आदतों के लिए होता है जो बीत चुकी थी, यानी कि अब वो आदतें छूट गई हैं, अब वो आदतें हमारे पे लागू नहीं होती हैं। अगर कोई कार्य आदत या व्यवहार वर्तमान समय में हो तो उसे व्यक्त करने के लिए एक्टिव वॉइस में केवल प्रिंसिपल वर्ब के सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं और इसके पूर्व यूज टू नहीं लगाते हैं। यानी कि आप नॉर्मली जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का जो इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, वो क्या करते हैं, वास्तव में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो है आपको अपनी वर्तमान कार्य आदत या व्यवहार के बारे में बताते हैं। यानी कि अगर आपको अपने वर्तमान कार्य आदत या व्यवहार के बारे में बताना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, न कि यूज टू का। जब हम यूज टू का प्रयोग आदि या अभ्यस्त होने के अर्थ में करते हैं तब यूज टू का जो है प्रयोग हम लोग दो तरीके से करते हैं। वो सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। टू बी की जगह आप गेट भी लिख सकते हैं या बिकम भी लिख सकते हैं, यानी कि टू बी ऑब्लिक गेट ऑब्लिक बिकम प्लस यूज टू प्लस नाउन। और दूसरा पैटर्न है टू बी ऑब्लिक गेट ऑब्लिक बिकम प्लस यूज टू प्लस वर्ब जो भी हो या नाउन आईएनजी फॉर्म। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई यूज टू लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहा करता था। वी यूज टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज, नाउ वी डोंट, यानी कि हम अपने कॉलेज के समय में क्रिकेट खेला करते थे लेकिन अब नहीं खेलते। आई यूज ए रेड पेंसिल, यानी कि यूज्ड का इस्तेमाल आप अभ्यस्तता बताने के लिए भी कर सकते हैं कि मैं लाल कलम या लाल पेंसिल इस्तेमाल करने का अभ्यस्त हूँ। He used not to like films. He did not use to like films. यानी कि आप negative सेंटेंस या interrogative सेंटेंस भी बनाना होगा तो आप used to से ही बनाएंगे, यहाँ पर do, does, did का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Used he to play cricket at college या did he used to play cricket at college? I play cricket present habits. हमने बताया है पहले भी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस से आप प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, और अगर आपको पास्ट हैबिट बतानी होगी तभी आप यूज टू का प्रयोग करेंगे।
तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा। और हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं या नए फ्रेंड्स हैं जो हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्द ही आपके साथ मिलेंगे फिर से अपने नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।